बड़े मोटे दाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई आपका वर्कशॉप पे खड़ा हुआ, और आपको पता है वर्कशॉप पे क्यों खड़ा हुआ, कि भाई की गाड़ी हो रही है ज़रा सेट शूट। दो तीन चीज़ें मैंने डलवानी थी, बम्पर शम्पर डलवाना था, पेंट शेंट करवाना था, तो खैर वो डलवा लिए, सब कुछ हो गया। अभी फिटिंग वगैरह भी हो रही है, तो सोचा आपके भाई ने व्लॉग भी बनाना था, व्लॉगर भी आपका भाई मुझे गलती से तो जो है आपको अपडेट दें कि ये सूरत हाल है गाड़ी की। तो खैर सबसे पहले जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई की वीडियो पे। तो बाकी है कि जो है ना, अभी एक एफएक्स है, बड़ी मशहूर एफएक्स है, उसका भी रिव्यू करेंगे अभी। बाकी आपको गाड़ी दिखाते हैं वहाँ पे अपनी के क्या सूरत हाल है जी। हमारी गाड़ी की सूरत हाल कुछ यूँ है, बिल्कुल सेट शूट हो गई है, बम्पर शम्पर नया, ठीक है। और बाकी जो हल्के फुल्के मतलब डेंट डूंट थे वो भी मैंने करवा लिया हाथ के हाथ, दो तीन चीज़ें। गाड़ी एकदम ज़ीरो कंडीशन, मज़ेदार कंडीशन में हो गई है। अभी तो सर्विस नहीं हुई है, सर्विस होगी तो आपको दिखाऊंगा, इसकी पूरी डिटेलिंग कराऊंगा। खैर लाइव चैट, फोक लाइट वगैरह सब कुछ नया डल चुके हैं, तो बाकी ये सीन है। बाकी इसको सर्विस सर्विस कराएंगे अभी। तो ये है जी वर्कशॉप, बड़ा मशहूर, बड़ा हैवी वर्कशॉप है, और जो है इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। आपको मिलवाते हैं इससे ओनर जो जिनका ये वर्कशॉप है ना, और वो एफएक्स भी दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये अभी काम शाम जा रही है, थोड़ी मोट सेटिंग शूटिंग हो रही है, क्लिप्स वगैरह लग रहे हैं। खैर से माशाल्लाह से माशाल्लाह, अभी तो गंदी लग रही है। खैर बाकी जो दिखाते हैं आपको वो एफएक्स जड़ा कराते हैं, बस दो मिनट दो मुझे। तो जी ये हैं हमारे रुस्तम अंकल, इनको प्यार से रुस्तम उस्ताद कहते हैं। अच्छा अंकल, ये मॉडल क्या है? 84 मॉडल है, और अपना सुजुकी एफएक्स, इसमें इंजन कौन सा डला हुआ है? अपना इंजन है, अपना इंजन है ओरिजिनल, और पेंट वगैरह आपने कस्टम डला हुआ है? सारी रिस्टोर हुई हुई है गाड़ी। तो जी इसका ये यहीं से खुलता है ना, इसका ये अपना ओरिजिनल ये वाला पेंट है, और बिल्कुल मतलब जेन्युइन सीलो पे है ना, फुल सीलो पे गाड़ी है, और सिर्फ इन्होंने कस्टम पेंट किया हुआ है बाहर से। तो इसका अपना इंजन देखें, इंजन भी देखें कितना साफ है। तो अंकल और आपने इसमें क्या क्या मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन वगैरह कराई हुई है? लाइट, ये बम्पर वगैरह खुद बनाया है इसके, ये बम्पर वगैरह, ये मेटल के, ये सारा क्रोम से मिलवाया, ये लाइटें वगैरह बड़ी ज़बरदस्त डाली हुई है। तो और बाकी अंदर से ये रिम टायर बड़े मोटे डाले हैं जी जी, तो ये अच्छे लगते हैं इसको ना, अच्छे लगते हैं। हाँ तो जी ये बड़ी मशहूर गाड़ी है, पावर विंडो इसमें डली हुई है जी, अपना डिजिटल मीटर वगैरह, स्टीयरिंग व्हील वगैरह चेक करें, और मज़े की बात इसमें पुश स्टार्ट है। तो ये सारा इसका इंटीरियर है, और बहुत ही क्लीन इंटीरियर है इसका, और मज़े की बात इसमें भी ऑटो डिमिंग शीशा डला हुआ है। सीट कवर्स वगैरह ये हैं इसके, तो ये इसका कलर है। अंकल अभी ये स्टार्ट नहीं है ना, अभी बैटरी बैटरी उतारी हुई है, तो वरना आपको स्टार्ट करके भी। तो ये इसका सिस्टम है सारा, ये इसका सब बेसर वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है इसका, बड़ी क्लीन रखी हुई है माशाल्लाह। और ये बिल्कुल एंटीक पीस है, हर चीज़ इन्होंने एफएक्स सैलून, और ये बिल्कुल ना इन्होंने एंटीक पीस रखा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में आपने बड़े शौक से रखी हुई है ना? बहुत अर्से, कितना अर्सा हो गया आपको? अच्छा ज़बरदस्त। तो ये है कि जो है ना गाड़ी, और बाकी कमेंट्स में बताएं कि गाड़ी आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और बड़ी मशहूर गाड़ी है। और आर ए के इनका लकब है, आर ए के
तो ये गाड़ी की लुक है। और अंकल इसके बारे में और कोई चीजें वगैरह बताएं। इसकी लाइटें हैं, इसकी लाइटें भी दिखा दी हैं। भागने में पूरा मीटर मारती है। पूरा मीटर? पूरा मीटर। अच्छा, कोई बगनी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ। इसकी ग्रिप असल में कोई कोना नहीं जिसके ऊपर मैं गया ना हो। इस पे? अच्छा, और मजे की बात इसकी ग्रिप भी बड़ी अच्छी होगी इन टायरों की वजह से। टायरों की वजह से मेरे ख्याल में ये पूरे ही घुमा इसके ऊपर। 8.5 जेजे का टायर है ये। 8-13-205। तो ये है जी, बाकी इनका गैराज ये। भाइयों को भी ले आऊं, कोई टेंशन तो नहीं है, पक्की बात है। तो लाइटें कहां से बनवाई आपने? बनवाई नहीं, जेन्युइन लाइटें। जेन्युइन लाइटें? जेन्युइन मिलती हैं, ऐसी मिलती हैं, जेन्युइन ऐसी मिलती हैं। ये बेसिक जीप्स वगैरह में लगती है ना। अंकल आप अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बताएं। आप मोटर, रीबिल्ट मोटर इनकी शॉप का नाम है। और ये मेन रुस्तम उस्ताद के नाम, रुस्तम उस्ताद के नाम से। और ये हर काम करते हैं, यहाँ तक के जो ओले के डेंट्स नहीं होते वो तक निकालते हैं। और किसी को भी काम कराना हो भाई, मैं यही सजेशन दूंगा, आप यहाँ पे आए, ठीक है ना। ये बनाइए, ये अभी ये बनाइए। ओह क्या पेंट है, पर्ल वाइट है। अच्छा ये अंदर से नई है, बाहर से ये ऐसी जापान से आई? नहीं गाड़ी नई गाड़ी है, बिल्कुल ना, ये एक्सीडेंट हो गई यहां पे पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी ये सीन है। ये रेड एंड निकाला है, रेड एंड नहीं, रेड एंड ये रेड एंड नहीं होता, ये रेड एंड होता जो पेंट के ऊपर। ये फिनिशिंग है ना, ये फिनिशिंग है। पहले अस्तर वो पुटीन मारेंगे, फिर अस्तर, फिर पेंट। तो ये यहाँ पे ये सीन है, दिखाइए। तो जी हमारी गाड़ी की अभी कटिंग वगैरह हो रही है, वो हैंडमेड है गाड़ी। और ये जी गाड़ी हैंडमेड है, ये वाली गाड़ी। अच्छा ये टोटली हैंडमेड इट है, टोटली हैंडमेड इट है। किस तरह हैंडमेड है जरा बताएं आगे। तो जी किसी को भी काम कराना हो यार, मैं तो यहीं की सजेशन दूंगा। अभी ये बम्पर वगैरह हमारा बन चुका है, कटिंग क्रीम वगैरह लग रही है, सारी फिटिंग एकदम ज़बरदस्त हो गई है। तो अभी तो गंदी हो रही है, खैर। तो अच्छा हाँ, दूसरी बात ये बताओ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बाल कटवाएं भाई, आपके भाई ने बाल छोटे करा लिए काफ़ी अरसे बाद। तो मुझे कमेंट में बताओ बाल कैसे लगते हैं।